विश्व गोरैया दिवस पर विभिन्न स्कूल के 550 बच्चों को घोंसले बांटे गए। संघ के पर्यावरण विभाग की पहल, गोरैया चिड़िया के संरक्षण के लिए घोंसलों का किया गया वितरण। अजमेर विश्व गोरैया दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला के अंतर्गत वार्ड 3 में पार्षद प्रतिभा अरविंद पार्षद द्वारा प्रकृति एवं सामाजिक चेतना जागरण हेतु विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा पर्यावरण जागरण की रैली निकालते हुए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन सिनेवर्ल्ड में 11 बजे लगभग 10 विद्यालय के बच्चे पहुंचे। वहां उन्हें प्रकृति एवं सामाजिक चेतना जागरण कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर प्रकृति से जुड़ाव हो, जो हमने हमारे बचपन में प्रकृति को महसूस किया देखा वही हम आने वाली पीढ़ी को दे सकें एवं प्रकृति को सुरक्षित रख सकें, इससे संबंधित कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही आने वाले सभी बच्चों को चिड़ियाघर बांटे गए। लगभग 550 बच्चों को घोंसलों का वितरण किया गया, जिन्हें वे अपने घर पर लगाकर प्रकृति के प्रति जुड़ाव रख सकें और यह कर्म लगातार चलता रहे, जिसमें सभी मंदिरों, सरकारी कार्यालयों, बगीचों में यह चिड़ियाघर लगाए जाएंगे। प्रकृति की ओर रुझान बढ़ाने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आने वाली पीढ़ी को भी प्रकृति के नज़ारे मिल पाए, इसके लिए लगभग 1000 चिड़ियाघर और बांटे जाएंगे। जैसा कि सबको विदित है कि आज 20 मार्च है और 20 मार्च के दिन विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। आज विश्व गोरैया दिवस के उपलक्ष्य में आज पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज सामुदायिक भवन सिनेवर्ल्ड पे किया गया। ये कार्यक्रम वार्ड 3 परिवार, मेरा वार्ड मेरे परिवार के तत्वाधान में किया गया है और आज आसपास के सभी 10 स्कूल हैं जिनके बच्चों को यहाँ रैली के माध्यम से पर्यावरण का जो लोगों को संदेश देते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है और उनके माध्यम से आज ये यहाँ पहुँचे हैं। सभी शिक्षक गणों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके सहयोग से, समस्त प्रधानाचार्य महोदय का भी जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा और इस प्रकृति से जुड़ने हेतु कि किस प्रकार हम अट्रैक्ट हो सकते हैं, किस प्रकार हम हमारी भावनाओं को बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, उसके लिए सभी बच्चों को लेकर वो आज यहाँ पहुँचे हैं। और इस कार्यक्रम करने का हमारा मूल उद्देश्य यही था कि हम इन बच्चों को समाज में इस प्रकृति से जोड़ पाएं। जो प्रकृति का लगाव बच्चों में धीरे धीरे कम हो रहा है उसकी तरफ हम इन्हें मोड़ कर पाएं। जो मोबाइल से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, दिन भर मोबाइल लेके बैठते हैं और इन मोबाइल की दुनिया से दूर ले जाकर बच्चों को कहीं ना कहीं प्राकृतिक वातावरण मिल पाए, इस प्राकृतिक वातावरण को हम किस प्रकार उन्हें प्रोवाइड करा पाएं, इस हेतु बच्चों को हमने आज चिड़िया के घोंसले बांटे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चे घर जाएंगे और इस घोंसलों को वो अपने घर लगाएंगे और घर लगाकर जब छोटी छोटी नन्ही नन्ही चिड़िया इसमें अपना घर बनाएगी और छोटे बच्चे जब होंगे तो उसको देख के कहीं ना कहीं बच्चा अट्रैक्ट होगा और उस पर्यावरण के प्रति उसका झुकाव बढ़ेगा। उसको लगेगा कि पेड़ है, पेड़ के ऊपर हम घोंसले लगाते हैं तो वृक्षारोपण को भी इससे वृक्षारोपण भी आगे बढ़ेगा और चारों तरफ हमको हरियाली देखने को मिलेगी। कितना लक्ष्य है आपकी ओर से कि ये लगभग हमने 1000 चिड़िया के घोंसले बांटने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आज 550 तकरीबन बच्चे यहाँ आए थे और उन्हीं को हमने ये वितरित किए हैं। धीरे धीरे ये अदर स्कूल्स जाओ बच्चे, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, काफ़ी बच्चे नहीं आ पाए तो उन स्कूलों में हम वितरण करेंगे, मंदिरों में वितरण करेंगे, विकास समितियों के माध्यम से उनके बगीचों में, घरों में लगाने के प्रयास करेंगे, सरकारी कार्यालयों में हम सब इनको लगाएंगे और ये प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब भी, जो भी इस यहाँ आए हैं, पधारे हैं और जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, आप सब भी प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हर वो प्रकृति के आगे बढ़ाने में, प्रकृति को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे। ये आज पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला किनकी ओर से आयोजित की गई? ये जो है ये वार्ड 3 परिवार प्रतिभा पार्षद की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे संघ परिवार के समस्त हमारे पदाधिकारियों का, समस्त संघ परिवार के सदस्यों का से प्रेरणा लेकर हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया।